एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे फर्मी एनर्जी के बारे में। तो जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल में आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफाइन किए थे इक्वेशन नंबर 6। उसी इक्वेशन का आप यूज करते हुए फर्मी एनर्जी को यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो फर्मी एनर्जी फाइंड करने के लिए आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये वाली इक्वेशन लिख ली, एन यू डी यू इज इक्वल टू 8√2πv(m³)³/2 यू हाफ डी यू डिवाइड बाई e^(u−uf/kt+1। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले ये वीडियो देखें जाके, तब आपको ये पार्ट क्लियर होगा कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने कैसे फाइंड किया है। तो ये जो इक्वेशन थी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल से हमने ड्राइव की थी, तो वहां से हमने ये इक्वेशन लिखी है। और इस इक्वेशन में आपको यूएफ फाइंड करना है, मीन्स फर्मी एनर्जी निकालनी है। तो आप टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या टोटल नंबर ऑफ सिस्टम इलेक्ट्रॉन्स इन ए सिस्टम निकाल सकते हैं एन इज इक्वल टू एन यू डी यू, लेकिन जो लिमिट आप लेंगे वो होगी 0 to फर्मी एनर्जी, मीन्स फर्मी एनर्जी को आप लिख रहे हैं यूएफ से। तो एन इज इक्वल टू एन यू डी यू की इक्वेशन आपको पता है, ये वाली टर्म्स यहाँ पे पुट कर दीजिए, 8√2πv/h³(m³)³/2 u½du/e^(u−uf/kt+1। नंबर ऑफ पार्टिकल दैट इज इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ चुकी है। अब आपको निकालना है टेम्परेचर 0 केल्विन पर। टेम्परेचर 0 केल्विन पर आपको 3 कंडीशन मिली थी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल के अंदर। तो अगर हम देखें तो वहां से हमने इक्वेशन ली है कि फर्मी एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन, क्योंकि फर्मी एनर्जी निकाल रहे हैं तो फर्मी एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एनर्जी। अगर यूएफ ग्रेटर है टेम्परेचर 0 केल्विन पर, तो ये वाली जो इक्वेशन थी इसके डिनोमिनेटर पार्ट में अगर टी की वैल्यू 0 होगी तो 1/0 इज इन्फिनिटी बनेगा। तो e^∞ की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 0 अगर यूएफ ग्रेटर है, क्योंकि इसके पास नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। और ये टर्म जब आप इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो 0+1 दैट इज 1। तो डिनोमिनेटर पार्ट ओनली आपके पास रिमेनिंग पार्ट बचेगा ओनली 1। तो इट मीन्स 8√2πv/h³(m³)³/2 जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो इंटीग्रेशन से पहले आपने बाहर ले ली है, और इंटीग्रेशन आप करेंगे किसका, यू हाफ डी यू का, एनर्जी के टर्म्स में। लिमिट 0 to फर्मी एनर्जी। इंटीग्रेशन जब सॉल्व करेंगे तो u³(3/2)/3/2 इंटीग्रेशन सबको सॉल्व करना आता है। अगर नहीं भी आता है तो आप देख सकते हैं, अगर किसी भी टर्म की पावर x की पावर अगर n है तो वो टर्म इंटीग्रेशन में x की पावर n+½/n+½ हो जाती है। तो u³(3/2)/3/2 0 to uf, और बाकी टर्म एज इट इज। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2/3 × 2 में uf की पावर 3/2 और ये टर्म। तो आपके पास यहां से आ गए नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सिस्टम। यहां से फर्मी एनर्जी आप कहां से निकाल सकते हैं, यूएफ। अगर आप यहां से यूएफ फाइंड कर लें तो यूएफ 3/2 इज इक्वल टू इस टर्म की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म आपको मिलेगी। और यहां पे जो यूएफ 3/2 था वो अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो पावर अपोजिट हो जाती है 2/3 में। और इस टर्म को आप इस इक्वेशन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं h²/2m। देखो 8 को अगर 2 का क्यूब लिख सकते हैं, और 2 का क्यूब होगा तो आप लिख सकते हैं 2³(2/3, 3 से 3 कटा 2 की पावर स्क्वायर आपके पास रह गया, ठीक है। h³ है, h³ आप लिख 3×2/3, h² बाहर आ गया। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप सिंप्लीफाई से ऐसे लिख सकते हैं h²/2m 3/8π²(2/3)×n/v²(2/3)। ये फर्मी एनर्जी आ गई। अब यहां से इक्वेशन आप क्या कर सकते हैं, जो नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वेशन आपने लिखी थी ये वाली फर्स्ट इक्वेशन में यहां पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। कौन सी इक्वेशन, जो ये वाली कांस्टेंट टर्म है 8√2πv(m³)³/2, ये, क्योंकि देखो ये वाला पार्ट आपके पास फर्मी एनर्जी में आ रहा है, फर्मी एनर्जी में आ रहा है, तो यहां से ये पार्ट अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये टर्म फर्मी एनर्जी के टर्म्स में आ जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहां से हमने क्या करा, जो फर्मी एनर्जी वेरीफाई की थी यूएफ 3/2 ये निकाली थी हमने, और इसका हमने क्या कर दिया, क्यूब रूट ले लिया दोनों साइड।
यू एफ का क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब रूट 3/2 और 3/2, तो यहाँ पे जो पावर 2/3 थी वो 3 से 3 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बचेगी। और इस इक्वेशन में यू एफ 3/2 जो मिलेगा आपको 3/2 इंटू एन एच क्यूब डिवाइड बाई 8√2 पाई वी एम की पावर 3/2, ये टर्म आपको मिल गई। तो यहां से अगर आप निकालें, क्या निकाल सकते हैं, 3/2 एन यू एफ की पावर 3/2, ये देखो डिवाइड में जाएगा और ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो यू एफ माइनस 3/2, डिनोमिनेटर में प्लस 3/2 और न्यूमरेटर में माइनस 3/2, ये टर्म किसके इक्वल होगी, इस वाली टर्म्स के, और ये टर्म नंबर ऑफ पार्टिकल्स में हमारे पास है ही, तो हम वहां भी इस इक्वेशन को पुट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल वाली इक्वेशन क्या थी, ये इक्वेशन, और इस इक्वेशन में देखो 8√2 पाई वी एम की पावर 3/2 अपॉन एच क्यूब, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर, ये फर्मी एनर्जी के फॉर्म में 3/2 एन इंटू यू एफ की पावर माइनस 3/2। तो ये टर्म जब हम यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी फर्मी एनर्जी की फॉर्म में, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिले हैं अब आपको फर्मी एनर्जी की फॉर्म में मिले हैं, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ सिस्टम या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिस्टम 3/2 इंटू एन यू एफ की पावर माइनस 3/2 इंटू यू हाफ डिवाइड बाई ई की पावर यू माइनस यू बाई की UF by KT plus 1 into DU. This is called Fermi-Dirac distribution law in terms of Fermi energy.